टीवी पर आने वाले क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति ने हजारों लोगों के सपने को पूरा किया है। हॉट सीट पर बैठने के बाद कुछ लखपति बन गए तो कुछ करोड़पति भी बने। लेकिन क्या आपको याद है कि 5 करोड़ जीतने वाले पहले करोड़पति कौन थे, जिसके लिए अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठने से लेकर 5 करोड़ जीतना एक सपना जैसा था। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। अपने सपनों को साकार करने के लिए बिहार से मुंबई आए मोतिहारी के हनुमानगढ़ी निवासी सुशील कुमार ने 12 साल पहले 5 करोड़ रुपए जीत कर यह चमत्कार किया था। अब 12 साल बाद उनके ज्ञान के बल पर उन्हें फिर से एक नहीं बल्कि 2-2 सरकारी नौकरियां ऑफर की गई हैं। ये खुशखबरी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है। सुशील कुमार अब साइकोलॉजी के टीचर बन गए हैं। उनका बीपीएससी टीआरई 2.0 में वर्ग 6-8 के साइकोलॉजी विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर चयन हुआ है। सुशील कुमार मोतिहारी के रहने वाले हैं और उनकी पोस्टिंग गृह जिले में हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने हाल ही में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट जारी किया। इस परीक्षा में स्कूल शिक्षक पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची शामिल है। इस परीक्षा में अपने उच्च ज्ञान और अनुभव के कारण सुशील कुमार को कक्षा 11-12 के मनोविज्ञान विषय में स्कूल अध्यापक पद के लिए चयन किया गया है। उन्हें 119वीं रैंक मिली है। इसके साथ ही उन्होंने बीपीएससी शिक्षक 6-8 के चयन में सफलता हासिल की है। उनका चयन सामाजिक विज्ञान विषय के लिए हुआ है, जिसमें उनकी रैंक 1692 है। केबीसी में जीतने के बाद ही सुशील कुमार ने शिक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया था। बता दें कि सुशील कुमार मोतिहारी के हनुमानगढ़ी के रहने वाले हैं। सुशील ने 2011 में कौन बनेगा करोड़पति से बतौर हीरो 5 करोड़ रुपए जीतकर अपनी पहचान बनाई थी। साल 2007 में पढ़ाई के दौरान उन्होंने मनरेगा में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम किया और पश्चिम चंपारण के चनपटिया ब्लॉक में भी काम किया। लेकिन 2011 में केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद वह अचानक सुर्खियों में आ गए। हालांकि 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद भी उन्हें अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सुशील कुमार बहुत ही साधारण परिवार से हैं। उन्होंने मनरेगा में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर भी नौकरी की है। सबसे खास बात यह है कि करोड़पति बनने के बाद भी वे सादगी के साथ ही अपना जीवन जी रहे हैं। समाज में कई लोग उन्हें प्रेरणा स्रोत भी मानते हैं। वे इस समय PhD भी कर रहे हैं। केबीसी विनर होना अभी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये एक शिक्षक होना ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है और हम प्रयास करेंगे कि इस जिम्मेदारी को निभाएं। कैसा लग रहा है आप लोगों के परिवार में, क्या स्थिति है, क्या माहौल है? नई नई जिम्मेदारी मिली है, सफलता आपके पीछे दौड़ रही है, आप सफलता के पीछे नहीं? नहीं, हर आदमी सफलता के पीछे दौड़ता है, यही हम भी सफलता के पीछे दौड़े और मेहनत की। और एक आम बिहारी परिवार जो होता है ना, उसके घर में सरकारी नौकरी का बड़ा महत्व है और शिक्षक का जो है उसका कहना ही क्या। आप देख सकते हैं कि कितनी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जो बिहार में शिक्षक बहाली निकली है, काफ़ी चर्चित है। इस साल की सबसे चर्चित अगर खबरों में देखा जाए तो शिक्षक बहाली की खबर है, उसमें होना बहुत बड़ी बात है, बहुत खुश है। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, बच्चों को, जीवन से रोकने के लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए, और आजकल का पढ़ाई का युग है, आजकल पढ़ाई का युग है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। खूब मेहनत कीजिए और निराश नहीं हुई, सबके जीवन में सफलता का फेज आएगा, आता है नहीं आएगा, निराशा का समय आएगा, मैंने ऐसा नहीं है कि आता है नहीं आता, नहीं आएगा ही आएगा, और हमें उससे लड़ के उबर के आगे बढ़ना होगा। जो उबर जाता है इन सब चीज़ों से, वो फिर आगे एक बेहतर जीवन जीता है, बेहतर दुनिया। दोनों में आपने पर्यावरण के लिए भी काम किया है, गौरैया संरक्षण के लिए भी काम किया है और सामाजिक कार्य भी किया है, करोड़पति भी बनने का मौका मिला है और आज एक शिक्षक, सबसे बेहतर आप किसे मानते हैं? एक शिक्षक के को हम सबसे बेहतर मानते हैं, क्योंकि एक शिक्षक अगर ईमानदारी से पढ़ाए, अच्छा करे, तो वो अनेकों अपने जैसे और बेहतर इंसान पैदा कर सकते। सुशील कुमार ने बताया कि उनकी पोस्टिंग उनके गृह जिले में होगी। उन्होंने 15 दिसंबर को मुजफ्फरनगर के RDS कॉलेज में शिक्षक पात्रता परीक्षा दी है, जिसमें वे सफल रहे। उन्होंने कहा कि अभी काउंसलिंग होना बाकी है, जल्द ही वो ड्यूटी देना शुरू करेंगे। सुशील ने आगे बताया कि वो मनोविज्ञान और पर्यावरण के संबंधों में PhD करेंगे। इसके लिए उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है।
कंगाल होने की खबरों को लेकर उन्होंने बताया कि पिछले दिनों खबर उड़ी थी कि मैं कंगाल हो गया हूँ, ये महज एक अफवाह है। केबीसी जीतने के बाद मिला पैसा कहीं नहीं गया, सारा पैसा सुरक्षित जगह पर है और चिंता की भी कोई बात नहीं है। उनका कहना है कि अगर पैसा खत्म हो जाता तो उन्होंने समाज सेवा सहित अन्य सामाजिक कार्य कैसे वो कर पाते। बीपीएससी में सफलता का परचम लहराने के बाद सुशील कुमार ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक होना एक बड़ी जिम्मेदारी है और वह इस जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के परिवारों में सरकारी नौकरी का बहुत महत्व होता है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।